नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रक्रिया भाग में जो हमारा टॉपिक है नाम धातु प्रकरण। अब देखिए, नाम धातु प्रकरण में इससे पहले हमने पुत्रियति आदि की सिद्धियों को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों एक सूत्र है काम्यच। और काम्यच सूत्र क्या कहता है कि इस धातु का कर्म, इस धातु होती है इच्छा अर्थ में, इच्छति आदि जो रूप चलते हैं, तथा इच्छा कर्तृ के संबंधी। इच्छा कर्तृ कहते हैं जो कर्ता इच्छा वाला हो, संबंधी सुवंत से इच्छा अर्थ में, संबंधी सुवंत से इच्छा अर्थ में काम्यच प्रत्यय होता है। तो देखिए, जैसे आप करेंगे, जैसे आप लिखेंगे पुत्र प्लस अम प्लस काम्यच, और आप लिख देंगे प्राकृत सूत्र से इच्छा अर्थ में, अर्थ में काम्यच प्रत्यय, प्रत्यय आगम, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, सिद्धि है आपकी पुत्र काम्यति, कौन सी सिद्धि है? पुत्र काम्यति, आत्मनः पुत्रम इच्छति। इसका अर्थ क्या होगा? आत्मनः पुत्रम इच्छति, यानी अपने लिए पुत्र को चाहता है। अब देखिए, आप लिखेंगे पुत्र प्लस अम प्लस काम्यच, और सूत्र लग जाएगा काम्यच। ये सूत्र है आपका काम्यच सूत्र से इच्छा अर्थ में काम्यच प्रत्यय आगम। फिर देखिए, इस चा की संज्ञा करके उसका लोप कर लेंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे पुत्र प्लस अम प्लस काम्यच। अब देखिए, आपको पता है चा अंतिम हल है, तो अंतिम हल की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो देखिए, आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से काम्यच के चकार की हेतु संज्ञा ह
हलंत्यम सूत्र से काम्यच के चकार के इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक चकार का लोप अब देखिए जब चकार का लोप हो जाएगा तो आप क्या करेंगे फिर इस पूरे की कर लेंगे धातु संज्ञा अब देखिए आप लिखेंगे पुत्र प्लस अम प्लस काम्य और सूत्र लिख देंगे आप सना जनता धातव सूत्र से धातु संज्ञा करने पर उसके बाद इस सुप का लोप कर देंगे धातु के का आप लिखेंगे पुत्र प्लस काम्या और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से धातु के सुप का लोप करने पर और फिर देखिए आप ले आएंगे लट आप लिखेंगे पुत्र काम्य प्लस लट और सूत्र लिख देंगे आप वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान में लट आगम आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों फिर देखिए इस लट के टा की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और लट में जो आ है उसकी उपदेश या अजन्मनासिक सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से लोप होकर के उसका लोप हो जाएगा तो देखिए आप लिखेंगे पुत्र काम्य प्लस ला हलंत ला रह जाएगा और आप लिखेंगे देखिए हलंत्यम सूत्र से
हलंत्यम सूत्र से लट के टकार के इत संज्ञा तथा उपदेशे आजानो नासिक इत सूत्र से उपदेशे अजनासिक इत सूत्र से लट के अकार के इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार एवं अकार का लोप करने पर फिर देखिए इस लकार के स्थान पर ते पा जाएगा, आप लिखेंगे पुत्र काम्य प्लस तिप, आप लिखेंगे सी सात कर्तरी परस्मै पदम तिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः तानेकवचन द्विवचन बहुवचनानेकशः सूत्रों की सहायता से तिप्तस् झे सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर तिप आदेश। फिर देखिए यह जो तिप है इस तिप की कर लेंगे हम सार्वधातुक संज्ञा और आप लिखेंगे पुत्र
काम्य प्लस तिप, और आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम्। सूत्र से तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा संज्ञा करने पर प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर ले आएंगे आप तिप के आगा लूप कर लेंगे, आप लिखेंगे पुत्र काम्य प्लस ती रह जाएगा, और सूत्र आप जानते हैं ये पा क्या है हलंत है अंतिम हल है, और जो अंतिम हल होता है उसकी हलंत्यम से संज्ञा होती है और तस्य रूपा से लोप होता है, तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से तिप के पकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक अकार का लोप करने पर अब उसके बाद देखिए आप सब ले आएंगे, आप लिखेंगे पुत्र प्लस पुत्र काम्य प्लस सप प्लस तिप, और सूत्र लगाएंगे आप कर्तरी सप। सूत्र से धातु को सब आगम। आप देखिए ये जो सब में पा है इसकी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, ऐसे ही जो सा है उसकी लसब को तद्यते सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे पुत्र काम्य प्लस आ शेष रह जाएगा सबका और ये तिप हो गया, और आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से सबके प्रकार की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से सबके प्रकार की इत संज्ञा तथा लसक्व तद्यते सूत्र से सबके सकार की
एत संज्ञा लसक तद्ध के सूत्र से सबके सकार की संज्ञा और तस्य लोभः सूत्र से एक तो संज्ञक अकार और सकार का लोप करने पर अब देखिए ये जो या है इसमें जो आ है उसको पर रूप हो जाएगा, अर्थात ये देखिए जैसे ये या का आ और ये जो आ है ये वाला, ये दोनों मिलके पर रूप हो जाएगा यानी बाद वाला हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो क्या है, अगर जोड़ेंगे तो आ और आ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, लेकिन दीर्घ नहीं होता, आ और आ मिलके पररूप हो जाता है, पररूप संधि हो जाती है, तो पररूप हो जाता है। देखिए सूत्र है हमारा पुत्र काम्य, यह हलंत हो जाएगा, प्लस सप प्लस ते, आप लिखेंगे अतो गुणे सूत्र से पर रूप एकादेश करने पर रूप सिद्ध, तो इस प्रकार से आपकी एक रूप सिद्धि हो जाएगी और रूप सिद्धि है पुत्र काम्यति। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं प्रक्रिया भाग, और प्रक्रिया भाग में अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो यथासंभव मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।